हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 4% की गिरावट है और आज एक्चुअली में बाज़ार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत अभी बाज़ार की देखने को मिल रही है और ऐसे में यस बैंक जैसे शेयर में, जहाँ पर भैया गोल्डमैन सैच ने काफ़ी डाउनग्रेड करा था इसको, तो जाहिर सी बात है गिरावट अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर यस बैंक के बारे में देखें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है अभी हाल फिलहाल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गिरावट है 4% की, 1 महीने में देखो तो यहाँ पर पिछले 1 महीने में यस बैंक का जो शेयर है वो हमें, सॉरी, 1 महीने में यस बैंक का शेयर 1% की गिरावट पे बैठा है। एक बड़ी तेज़ी हमने देखी, 22 रुपये से गया था ये 32 पे, और ये तब गया था जब आरबीआई ने एचडीएफसी को अप्रूवल दिया था, एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल दिया था कि तो वो यहाँ पर तकरीबन 9.5% तक का स्टेक खरीद सकते हैं। और जनरली ये जो अप्रूवल होते वो 1 साल के होते हैं, कि 1 साल के अंदर खरीदना होता है इनको, और यहाँ पर उसके चलते तेज़ी देखने को मिल गई हमें। लेकिन जब तेज़ी आई थी ना, तब इसका जो मार्केट कैप था, जब 32 रुपये का शेयर था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ चला गया था। इतना मार्केट कैप इस बैंक का पहले तब हुआ करता था जब इसका शेयर प्राइस 400 रुपये का था। तो वापस तो, और तब भी मैंने कहा था कि देखो यार, ये जस्टिफाई नहीं करता है, गिरावट यहाँ पर बीच में एक्सपेक्टेड रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं नहीं मानता हूँ कि यस बैंक बर्बाद होगा, लेकिन देखो शॉर्ट टर्म में जब इस तरीके की तेज़ी आती है तो फिर गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इवन जब गोल्डमैन सैच की जब कमेंट्री आई थी तब भी मैंने कहा था कि ये 22 पे जाता नजर आ सकता है, वहीं पे जाएगा जहां से ये उठा था, और अभी ये वहां पर जा भी रहा है। देखो बाजार की हालत वैसे में भी देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं लगता है मुझे इंडिया का। देखो अभी क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी बीच बीच में, और वो आनी भी चाहिए, वो मैं इसको एक हेल्दी करेक्शन मानता हूँ। और पिछले महीने भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था, एक ही दिन में बहुत बड़ा करेक्शन आया था इंट्राडे में, लेकिन बाद में बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी देखी थी। यहाँ पर अगर आप 1 साल का ग्राफ देखो इसका, तो 38% का ग्रोथ है। 16 रुपये से खूब भागा था ये, 32 पे गया, पैसा डबल कर दिया था इसने। अब जाहिर सी बात है जब पैसा डबल किया है तो यहाँ से गिरावट भी आनी ज़रूरी है। और अभी अगर हम देखें तो 20% का करेक्शन हम यहाँ पर ऑलमोस्ट देख चुके हैं, उससे ज़्यादा कहीं देख चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ये है कि जो सीईओ है यस बैंक के, उनका कहना है कि वो आने वाले टाइम में जो मिड साइज फर्म का जो लेंडिंग है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पे बूस्ट करेंगे, ताकि जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो पाए इनके। यहाँ पर देखिए, यस बैंक ओपन्स न्यू टैब विल बूस्ट लेंडिंग टू स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज एज इट ट्राई टू पुश इट्स रिटर्न ऑन असेट्स। ये कंपनी के सीईओ का कहना है। उनका ये भी कहना है कि देखो, द सिंगल एजेंडा इज टू फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट डूइंग एनी अग्रेसिवली। देखो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हम नहीं जा रहे, हमारा सिंपल फंड है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे और असेट्स क्वालिटी जो है उसको लगातार इम्प्रूव करते रहे, ये उनका कहना है। और जनरली जो लोन का है यहाँ पे देखो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन एंड मिड साइज कॉरपोरेट लोन मेड अप नियरली 30% ऑफ मुंबई बेस्ड बैंक, जो लोन बुक का ऑर्डर है वो 30% का हो चुका है अभी यहाँ पर इन दिसंबर क्वार्टर, विश कुमार सेठ की, विच इंक्रीज 35% गोइंग फॉरवर्ड। ऑलरेडी 30% का तो है ही, आने वाले टाइम में यहाँ पे ये और बूस्ट करेंगे, 35% तक इसको लेकर जाएंगे। वी वुड नॉट लाइक टू गो फॉर हायर डिपॉजिट्स ग्रोथ बाई ऑफरिंग हायर रेट्स। जनरली ये होता है कि कई सारे जो छोटे बैंक्स होते हैं वो काफ़ी हाई रेट्स प्रोवाइड करवाते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि देखो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एडिंग दे वुड ऑल्सो नॉट ग्रो लोन बाई ऑफरिंग लोअर इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोन्स कम दाम में देकर ये अपनी लोन बुक भी बढ़ाने का इनका कोई प्लान नहीं है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि यस बैंक एम्स टू ग्रो ओवरऑल लोन्स बाई 13% ईयर ऑन ईयर इन मार्च क्वार्टर। यहाँ पर अगर आप देखो, लार्जली एडेड बाई रिटेल लोन्स, वाइल डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे तो 15% का ग्रोथ यहाँ पर डिपॉजिट्स में आया है, जो कि अच्छी बात है। लोन ग्रोथ भी तकरीबन 12% के करीब का देखने को मिल रहा है और डिपॉजिट्स भी तकरीबन 13% से ज़्यादा का ही देखने को यहाँ पर मिला है। आज वॉल्यूम देखोगे तो ऑलरेडी 30 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग चल रही है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र,
तो 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 33% लोग कह रहे भाई साहब बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे ना तो डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता नहीं कि वो इस साल भी पे करेगा। और जहां तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो अब इतने फॉल के बाद अभी भी इसका जो पी रेशियो है वो 70 का है, जो कि अगर आप सेक्टर पी से कंपेयर करोगे तो काफी महंगा आपको लगेगा। सेक्टर पी 20 का है, इसका पी जो है वो 70 का है। देखो देखने में 24 रुपये सस्ता आपको लग सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हो तो ये सस्ता तो नहीं है पहली चीज़। उसके रीज़न ये है कि कई सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है यहाँ पर भी। जब यस बैंक क्राइसिस आया था और यस बैंक बर्बाद होने वाला था, तब कई सारे बैंक्स ने इसको मिलकर बचाया था। 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करे थे। उसके बाद एफपीओ के जरिए भी पैसा रेज करा था, 12 से 13 रुपये की रेंज पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेज करे थे इन्होंने। तो ये क्या था, ये इक्विटी इन्फ्यूजन था और नए शेयर्स ऐड करे गए यहाँ पर। उसकी वजह से जो वैल्यू है वो कम होती चली गई, और अभी इनको और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे तभी जाके ये इसको बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप इनके फिनांशियल्स की तरफ देखोगे तो इनके फिनांशियल्स आपको देखने में अच्छे लग सकते हैं अगर आप 24 रुपये का प्राइस आपके दिमाग में है तो। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इतने सारे इक्विटी इन्फ्यूजन हुए हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं कि इतना प्रॉफिट नहीं, उससे कई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट इनको कमाना पड़ेगा। ये जो प्राइस 24 रुपये का है ये तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कर पाए, तभी उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तभी भी एक्चुअली में तब भी महंगा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा का इनको करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्रॉफिट देखें तो अभी 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था अभी दिसंबर क्वार्टर में, और रेवेन्यू 8,245 करोड़ का था। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो तो भैया बेच बाज के निकल लिया यहाँ से, जिन्होंने ये कहा था कि मैं इसके शेयर्स अपने बच्चे के बच्चों को दूंगा, मेरे लिए ये शेयर्स गोल्ड माइन है यस बैंक के। उन्होंने अपने स्टेटमेंट के 8-9 महीने में ही शेयर्स को बेच दिए थे 140 करोड़ में और निकल लिए थे यहाँ से। यहाँ पर देखिए एक कंसर्न अभी भी यहाँ पर रहेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग है डोमेस्टिक की 42.06% है। अब यहाँ पर देखो जिन बैंक्स ने सस्ते दाम पर खरीदा था, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी यस बैंक को बचाने के टाइम पर, अब जब ये लोग आएंगे प्रॉफिट लेने, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है जो 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा था वो ओवर हो चुका है, तो अब वो जब चाहे तब शेयर बेच सकते हैं। तो ये कंसर्न रहेगा कि अगर उनमें से कोई बेचने के लिए आया तो एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट रहेगा तब भी। और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि जब 24 पे आया तब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अब नेगेटिव चीज़ है, नहीं। इवन जब ये 22 से 32 पे गया था तब भी मैंने कहा था कि इसका जो मार्केट कैप है वो जब हाई था 400 रुपये का प्राइस तब पहुँच चुका है, उतना हो चुका है ये। और जब गोल्डमैन सैच ने इसका टारगेट घटाकर 16 रुपये का किया था तब भी मैंने कहा था कि देखो 16 रुपये तो कतई नहीं जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये 20 रुपये की तरफ ज़्यादा नज़र आ सकता है आपको आने वाले टाइम में। लेकिन अगर वहाँ पर जाएगा तो बाइंग इंटरेस्ट जो होगा वो 20 रुपये के आसपास अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा यस बैंक को लेकर कि देखो बैंक बर्बाद तो परिस नहीं होने वाला है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा पैसा उन्होंने रेज भी कर लिया है, बर्बाद नहीं होगा। बस ये है कि ऐसी खबरें यहाँ पर शेयर को गिराएगी ज़रूर, लेकिन बाद में तेज़ी भी आएगी। अगर ये गिरकर 20 रुपये के करीब जाता है मेरे हिसाब से बाइंग के अपॉर्चुनिटी जो कह लो या फिर मौके कह लो वो आपको वहाँ पर बनते नज़र आएंगे, और वहाँ पे फिर आपको तेज़ी वाले आसार वहाँ से नज़र भी आ सकते हैं। तो नज़र रखिए, अगेन कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो भैया उसका जो डिसीजन है वो आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।